आप सभी योग पथिकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का वर्णन हमारे हठ योग के ग्रंथों में, खासकर हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त शिव संहिता और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का वर्णन मिलता है। अक्सर लोग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को और अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक ही समझने की भूल करते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है, बहुत ही जटिल प्राणायाम है, बहुत ही सूक्ष्म प्राणायाम है। हम ये कह सकते हैं कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का पूर्वाभ्यास है। हमारे सभी योग ऋषियों ने, यानी महर्षि गहरण जी ने, स्वामी स्वात्माराम जी ने, भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सभी प्राणायामों से पहले करना चाहिए, तब ही हमें कोई सिद्धि मिलेगी, अन्यथा हमें प्राणायाम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। घेरण संहिता के पांचवा जो अध्याय है उसका 30 से 45 तक जो वर्षस सूत्र है उनमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का जिक्र है। साथ ही हठ प्रदीपिका का जो दूसरा अध्याय है उसमें 6, 7, 8, 9 चार श्लोकों में नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार शिव संहिता का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा जो प्रकरण है, उसमें 24-25 श्लोक में इस प्राणायाम की विधि मिलती है। और योग चूड़ामणि जो उपनिषद है उसका जो पांचवा अध्याय है उसके 98, 99 और 100 तीन सूत्रों में नाड़ी शुद्धि का जिक्र मिलता है। तो देखिए, नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या होता है? नाड़ी शुद्धि का अर्थ जानने से पहले हम नाड़ियों को जानेंगे। नाड़ियां यानी नाउस हठ योग के ग्रंथों में हमारे सभी योग महापुरुषों ने, सभी योगियों ने नाड़ियों की संख्या लगभग 72,000 बताई है। वो बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियां हैं, पूरे शरीर में नाड़ी तंत्र फैला हुआ है। उनको शुद्ध करने के लिए, उनकी प्यूरिफाई के लिए, उनकी शुद्धिकरण के लिए जो प्राणायाम किया जाता है वही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। तो अकेला ऐसा प्राणायाम है जो 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धिकरण के साथ साथ हमारे पूरे अंदर के शरीर को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध कर देता है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। आज हम इस प्राणायाम को घेरण संहिता के अनुसार जानेंगे, क्योंकि घेरण संहिता में इस प्राणायाम के दो प्रकार बताए गए हैं। घेरण संहिता के पांचवा जो अध्याय है उसके 33 से 45 तक के जो श्लोक हैं उनमें इस प्राणायाम का जिक्र मिलता है। हालांकि यह प्राणायाम तो हम नहीं कह सकते हैं, यह नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है। चूंकि प्राणायाम इसलिए कह देते हैं कि यह अनुलोम विलोम की तरह से होता है और इसका करने का ढंग प्राणायाम की तरह से ही है, इसलिए इसको प्राणायाम कह सकते हैं। हालांकि ये नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, क्योंकि महर्षि घेरण जी कहते हैं कि जो नाड़ी शोधन है वो दो प्रकार का होता है। जी हाँ, नाड़ी शोधन दो प्रकार से होती है, एक समनु, दूसरा निर्मनु। महर्षि घेरण जी नाड़ी शुद्धि की के दो प्रकार बताते हैं, एक समनु एक निर्मनु। तो समनु क्या होता है? समनु होता है बीज मंत्रों के साथ। बीज मंत्रों के साथ जब नाड़ी का शोधन किया जाता है या नाड़ी शुद्ध होती है तो उसे
समनु नाड़ी शोधन कहते हैं। एक दूसरा प्रकार है निर्मनु, यानी धोती कर्म के साथ जो नाड़ियों की शुद्धि होती है उसे निर्मनु कहते हैं। यानी समनु जो प्राणायाम है वो, या समनु जो नाड़ी शोधन है वो बीज मंत्रों के साथ होता है, निर्मनु नाड़ी शोधन जो है वो धोती कर्म के साथ होता है। इस वीडियो में हम समनु के बारे में जानेंगे कि समनु जो बीज मंत्रों के साथ होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, जो समनु नाड़ी शोधन है वो एक मानसिक अभ्यास है, और जो निर्मनु नाड़ी शोधन है यानी धोती कर्म, वो शारीरिक शुद्धि की क्रिया है। तो महर्षि गिरण जी शारीरिक शुद्धि का वर्णन पहले कर चुके होते हैं, सबसे पहले चैप्टर में कर चुके होते हैं। उसके बाद वो समनु नाड़ी शोधन की विधि बताते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में समनु नाड़ी शोधन विधि को ही जानते हैं। यहां पर ये बात क्लियर हो चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है कि नाड़ी शोधन के दो प्रकार हैं, एक समनु एक निर्मनु। समनु बीज मंत्रों के साथ होता है, निर्मनु धोती कर्म यानी षटकर्म की जो शुद्धि प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो धोती कर्म आता है वो सारा धोती कर्म निर्मनु के अंतर्गत आता है। तो निर्मनु के द्वारा जो शारीरिक शुद्धि क्रिया है वो पहले कर चुके होते हैं, और प्राणायाम से पूर्व समनु का जिक्र करते हैं। नाड़ी शोधन की जो समनु विधि है उसको महर्षि गिरण जी बताते हैं। तो चलिए, समनु विधि को हम जानते हैं। तो महर्षि गिरण जी कहते हैं कि पहले आप किसी एक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन का जिक्र वो करते हैं कि पद्मासन ज्यादा अच्छा रहता है। और पद्मासन में बैठकर सबसे पहले आपको अपना अपना ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान वायु तत्व का करना है, यानी जो अनाहत चक्र है इसका जो बीज मंत्र है, यम, उसका आपको ध्यान करना है। आपको चक्र प्रकरण में पढ़ाया जा चुका है कि मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा, ये हमारे चक्कर हैं। तो जो हमारा अनाहत चक्र है दोनों सपनों के मध्य है, यहां पर वायु तत्व है क्योंकि मूलाधार का संबंध पृथ्वी से है, स्वाधिष्ठान का जल से है, मणिपुर का अग्नि से है, और अनाहत का वायु से संबंध है। अब हम जानते हैं कि यह समनु प्राणायाम कैसे होता है, यानी बीज मंत्र के साथ इस प्राणायाम को हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पद्मासन में आप बैठ चुके हैं, मैं बता चुका हूं जैसा आपको, फिर आपको एक हाथ आपका लेफ्ट नीचे रहेगा, वो आपकी ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा हो सकती है। राइट नोस्ट्रिल आपका, जैसे आप प्राणायाम मुद्रा करते हैं ऐसे आपको राइट नोस्ट्रिल करना, प्राणायाम मुद्रा करते हैं ऐसे आपको हाथ बनाना है, यानी दो उंगलियां अंगूठे के नीचे। अब आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है और वायु तत्व का जो बीज मंत्र है यम, उसका मन ही मन उच्चारण करते हुए या मन ही मन उसका ध्यान करते हुए आपको 16 बार, इसमें बताया गया है, वायु का पान करना है लेफ्ट नोस्टिल से या बाएं नथुने से या चंद्र सवर से वायु को खींचना है। आप खींचेंगे 16 बार मन ही मन यम का जप करते हैं। उसके बाद आपको होल्ड करना है ब्रीथ को, कुंभक लगाना है 64 बार, यानी 4 गुना ज्यादा समय लगेगा इसमें, 4 गुना ज्यादा आपको यम को जपना है। तो आपको फिर
ऐसे ही दोनों नथुने बंद कर लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे, 64 बार यम का जाप करेंगे मन ही मन। आपका ध्यान अनाहत चक्कर पे रहेगा। आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल सहज और शांत आपको रहना है। अंत कुंभक के साथ आपको, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और राइट नोस्ट्रिल यानी दाएं नथुने से आपको 32 बार यम का जप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है यानी एक्जेल करना है। यह एक राउंड होता है। इसके बाद आपको अपना ध्यान अग्नि तत्व पर लगाना है, यानी नाभि जो चक्र है, यानी मणिपुर जो चक्र है, वहां पर आपको ध्यान लगाना है। और यहाँ का जो बीज मंत्र है, यानी मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, उसका जाप करते हुए आपको इनहेल हमेशा 16 बार में करना है, फिर 64 बार जप करते हुए आपको होल्ड करना है, दोनों नासिकाओं को ऐसे बंद कर लेंगे। चौसठ बार अंदर ही अंदर जप करते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, अंत कुंभक लगाने के बाद आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्जेल करना है 32 बार रम का जाप करते हुए। यह नाड़ी शुद्धि क्रिया का या नाड़ी शोधन विधि का यह एक चक्कर पूरा होता है। आपको इसमें रेशियो यानी 16, 64 और 32 यानी जितनी देर में आप श्वास ले रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा आपको रोकना है, और जितनी देर में आपने सांस लिया है उससे डबल में आपको छोड़ना है, यानी 16, 64, 32 यानी रेशियो की अगर हम बात करें तो 1, 4, 2 इस रेशियो से यह प्राणायाम आपको या नाड़ी शुद्धि यह क्रिया करनी है। देखिए पुनः एक बार कि राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, 16 बार यम का जप करते हुए श्वास को इनहेल करना है, 64 बार जप करते हुए आपको होल्ड करना है, और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से 32 बार यम का जप करते हुए श्वास को एक्जेल करना है। इसके बाद हम श्वास को इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से 16 बार जप करते हुए, किसका रम का जप करना है, और आपका ध्यान कहाँ रहेगा, अग्नि तत्व पर मणिपुर चक्र पर। 64 बार जप करते हुए रम का आपको श्वास को रोकना है यानी अंत कुंभक लगाना है, और फिर आपको 32 बार रम का जप करते हुए मन ही मन आपको एक्जेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। बहुत ही कठिन प्राणायाम है और प्रारंभ में यह प्राणायाम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अपनी श्वासों पर कंट्रोल ही नहीं होता है, नियंत्रण ही नहीं होता है। इसलिए आजकल योग एक्सपर्ट जो हैं वो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कराते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आपकी श्वासों पर कंट्रोल करना आ जाए। जैसे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा अनुलोम विलोम से, उसके बाद ही आप नाड़ी शोधन का अभ्यास ठीक से कर पाएंगे।
डायरेक्ट नाड़ी शोधन का अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आपका आसन से, षटक्रम से और दूसरी क्रियाओं से शरीर थोड़ा शुद्ध हो जाता है, थोड़ा शरीर शुद्ध जाता है, श्वासों पर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, तब ही नाड़ी शोधन की बात कही गई है। तो ये मैंने आपको समनु विधि बताई नाड़ी शोधन की महर्षि गिहिरण्य के अनुसार, और बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर है यह मैं बता चुका हूं। अब आपको इसके लाभ के बारे में आप समझ गए होंगे कि जिससे पूरा नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाता है तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। इससे बीके सयंगर जी बताते हैं कि जो नाड़ी शुद्धि की जो प्रक्रिया है यह चंद्रवेदी और सूर्यवेदी दोनों का मिक्स रूप ही है, और इसके करने से हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है इससे लेफ्ट हिस्सा कंट्रोल होता है, लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है इससे राइट बॉडी का पार्ट और कंट्रोल होते हैं, तो ये बैलेंस करता है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी के हर सिस्टम के लिए अच्छा है। जैसे कहते हैं कि शिलाजीत हर सिस्टम पे काम करता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया जाता है। ऐसे ही अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की जो क्रिया है वो हमारे पूरे सिस्टमों पर काम करती है, पूरे शरीर पर काम करती है। तो ऐसा कोई रोग ही नहीं है जिस पर यह प्राणायाम कारगर साबित ना हो, यह नाड़ी शुद्धि की समूह जो प्रक्रिया है वो कारगर सिद्ध ना हो। तो किसी योग गुरु, किसी योग आचार्य, किसी योग विशेषज्ञ, किसी योग स्पेशलिस्ट के सानिध्य में ही इन प्राणायामों का अभ्यास करें और प्राणायामों से पूर्व नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।